कानपुर निवासी मर्चेंट नेवी कर्मी बीते 3 महीने से पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में बंधक हैं। उसके साथ ही देश के 16 अन्य भारतीय भी बंधक हैं। सभी पर कच्चा तेल चोरी करने के आरोप हैं। नाइजीरियन नेवी ने ये आरोप लगाए हैं। शिप के क्रू में कुल 26 सदस्य हैं, जिसमें से 16 भारतीय हैं और इनमें कानपुर के गोविंद नगर निवासी रोशन अरोड़ा भी शामिल हैं। कैप्टन रोशन बीते 3 सालों से मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर रहे थे और ये उनकी पहली शिपमेंट थी जिसको लेकर वो पहुंचे थे। सोमवार रोशन के परिवार से मिलने पहुंचे सांसद सत्यदेव पचौरी और विधायक महेश त्रिवेदी ने परिवार को मदद का पूरा आश्वासन दिया है। सांसद का कहना है कि विदेश मंत्रालय से बात करके सभी की जल्द भारत वापसी कराई जाएगी। रोशन के पिता मनोज अरोड़ा ने बताया कि बीते 3 महीने से नाइजीरियन नेवी कंपनी से बातचीत कर रही थी और कंपनी के 14 लोगों को डेस्टिनेशन सेंटर में रखा गया था और डिटेंशन सेंटर में, साथ ही साथ हालांकि अब उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन नाइजीरियन नेवी के सभी को अरेस्ट करने की तैयारी भी शुरू की है। इसके बाद से ही क्रू मेंबर्स में हड़कंप मचा हुआ और वे परेशान हैं। आपको बता दें कि जितने भी मर्चेंट नेवी के शिप होते हैं वो ऑयल अफ्रीकी देशों से लेके आते हैं। ऐसे में सोमालिया जैसे देश कई ऐसे देश होते हैं जहां पर कई आतंकवादी गुटे या लुटेरे इन शिपों को टारगेट करते हैं, लेकिन यहां पर जो पूरा मामला है वो नाइजीरियन सरकार ने उन्हें कच्चे तेल की अवैध व्यापार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। हालांकि भारतीय दूतावास नाइजीरियन दूतावास से बात करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें तलब किया गया है कि इस पूरे मामले में क्या आखिर कार्रवाई हुई है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से कि जल्द ही जो मर्चेंट नेवी के सभी सेलर हैं उन्हें जल्द ही छुड़ा लिया जाएगा।